अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। चॉकलेट कप की बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है हमारा कपकेक। आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना परफेक्ट और कितना फ्लफ़ी बना है। देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट कपकेक की रेसिपी देने जा रही हूँ। इस तरह से मैंने मोल ले लिए कपकेक्स के। सबसे पहले इसको ग्रीसिंग कर लेते हैं और ग्रीसिंग करके इसको साइड कर देते हैं। इस तरह से सारे कप्स में ग्रीसिंग कर लें। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन। अब स्टेप नंबर टू की तरफ जाते हैं। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। एक बॉल ले लें, मैं हैंड के साथ हैंड विस्क के साथ मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। वन कप भर के मैंने चीनी का ले लिया है, ये बारीक चीनी। अगर आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। दो अंडे डालूँगी मैं इसमें, अंडे चेक करके लें लाजमी। और वन कप दूध, दूध जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इतना ज़्यादा आपने इसको बीट करना है कि एक फ्लफी सा बैटर बन जाए। मेजरमेंट के लिए कप आपने एक साइज़ का रखना है, यानी कि एक ही कप रखना है आपने। चाहे वो 250 ग्राम का कप हो या वो घर का आम सा कप हो, उसी के हिसाब से आपने आधा और एक का हिसाब उसी तरह रखना है। ये अच्छी तरह से बीट हो गए हैं सब कुछ। शुगर साथ ही वन कप ऑयल डाल रही हूँ, साथ ही 1/4 कप कोको पाउडर डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करें। बैटर को बीट करते हुए मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए। इस तरह से फ्लफी सा बैटर तैयार हो गया कोको पाउडर के साथ। अब इसमें वनीला एसेंस डाल दें, तकरीबन 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस जाएगा इसमें। थोड़ा सा दोबारा से बीट करें। बैटर रेडी हो गया। मैदा ले लें 1 कप और 1/3/4 कप, यानी कि 1.25 कप मैदा ले रही हूँ मैं, ये जाएगा। इसके अलावा 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। मैदा को छान लें। और बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करें। बहुत ज़्यादा आपने बीट नहीं करना, मिक्स करना है। मैं पैन में बना रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं। 20 से 25 मिनट्स में ये तैयार हो जाएंगे। मैंने 20 मिनट हो गए हैं मीडियम पे, बिल्कुल मीडियम लो पे रखी हुई है फ्लेम, और पैन हमारा बिल्कुल गर्म है। 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी और फिर बाकी 20 मिनट्स जो हैं उसको लो पे रखेंगे बिल्कुल, और हमारे ज़बरदस्त किस्म के कपकेक जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बैटर रेडी हो गया, अब इनको डाल लेते हैं कप्स में। बैटर लेते जाएं, स्कूप के साथ भरते जाएं। बहुत ज़्यादा इसको फुल नहीं करना, हाफ करना है, तकरीबन हाफ हाफ रखना है हमने।
बड़े आराम से तकरीबन 12 आपके कप केक्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मैं सारे फिल कर लूंगी। मेरी जो एक ट्रे है वो छोटी है और एक जो है वो नॉर्मल है, तो मेरे जो है वो 12 से भी ज़्यादा बन सकते हैं। तो बस ये रेडी हो गए, अब इनको रखते हैं हम फ्राइज होने के लिए। ट्रे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़े थोड़े से मैं नट्स डालूंगी, चाहे तो नट्स डालें चाहे तो स्प्रिंकल डालें, आपकी मर्जी है। कुछ पे मैं स्प्रिंकल्स डाल दूंगी। तो बेकिंग के लिए रखते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया हुआ है और कपकेक्स भी हमने रख दिए हैं अपने। जैसे ही राइज होना शुरू होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट्स हो गए हैं, आफ्टर 20 मिनट्स कपकेक अपने देख लेते हैं और ज़बरदस्त किस्म के राइज हुए हैं। मैं एक दफ़ा स्टिक डाल कर चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब है बिल्कुल रेडी है। इन्हें डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। कपकेक्स हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी कपकेक रेसिपी, चॉकलेट कपकेक, आपको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।